तो जी, इसी के साथ हो गई नए दिन की नए ब्लॉक की शुरुआत। और अभी हम लोग जा रहे हैं साइकिलिंग पे। और ठंड देखो, काफ़ी तगड़ी ठंड है, लेकिन सुबह सुबह साइकिलिंग पे जाने का मज़ा ही अलग है। तो अभी चलते हैं साइकिलिंग पे। और यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज हो रही है सुबह सुबह। जो सुबह सुबह देखो, हमने अपनी साइकिल निकाल दी है, दोनों साइकिल रेडी है एकदम। और यहाँ पे मैंने लाइट वाइट भी लगा दी है। इस लाइट का फॉक्स दिखाता हूँ मैं आपको फ्लैश ऑफ करके। काफ़ी सही लाइट आ रही है ये भी। चलिए अभी चलते हैं साइकिलिंग पे। ये देखो, ये मेरी साइकिल और ये मिट्टू की साइकिल। काफ़ी सही लाइट है इसकी, काफ़ी दूर तक आ रही है। एक साइकिलिस्ट के लिए तो इनफ है ये लाइट। अभी आप मेरी हालत देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ठंड कितनी है। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड, तगड़ी वाली ठंड है। अब यहाँ पे लाइटों की फॉक्स की वजह से जो धुंध हो रही है वो देख सकते हो, कितना धुंधला है, कितना धुंधला, सब कुछ धुंधला लागे सुबह सुबह। लेकिन कोई ना, मज़ा आ रहा है, अलग फीलिंग होती है सुबह सुबह ऐसे एडवेंचर करने की। और अपनी साइकिल भी एकदम सही परफॉर्मेंस देते हुए मॉर्निंग में। फॉग देख लो बस आप, भाई साहब, अब आस पास वाले खेत तो देख लो, खेतों में कितनी ओस जमी पड़ी है। ये तो फिर भी कुछ भी दिख रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल। रास्ते पे तो है ही ओस, लेकिन खेतों में तगड़ी ओस जमी हुई है। हाथों की तो कुल्फी जम चुकी है हमारी, क्योंकि ग्लव्स पहनना भूल गए थे हम। मोबाइल यूज़ करना था मुझे, इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे। लेकिन तगड़े तगड़ा ही एडवेंचर हो गया सुबह सुबह। लेकिन ओस देखो, इतनी ओस मैंने ईडर में पहली बार देखी है। मतलब आप सोच सकते हो कि ठंड के पीक टाइम पे आया हूँ। कैसा रहा अभी तो सुबह सुबह साइकिलिंग करना? बहुत ठंडी है यार, लेकिन इतनी ठंडी में साइकिलिंग करने का मजा डबल हो गया। फॉग देखो आजू बाजू, बहुत मजा आया मुझे आफ्टर लॉन्ग टाइम। सुबह सुभ सुबह निकल तो गए हम साइकिलिंग करने, लेकिन ग्लव्स ही भूल गए हैं। तो आप कल से ये करके वापस नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लव्स होते तो अभी साइकिलिंग करने का मजा ही कुछ और होता। इसी के साथ पहुंच चुके हम लोग घर पे। और अभी हालत देखो, कैसी हालत? बहुत अच्छी। हालत अच्छी है, होश उड़ गए तेरे, मजा आ रहा है। तो जी, 9 किलोमीटर साइकिल चला के आए हम सुबह सुबह, और तगड़ी ठंड थी, लेकिन एडवेंचर हो गया, मजा आ गया सुबह सुबह ऐसे साइकिल चलाने का। तो अगर वीडियो देख के आपको भी इंस्पिरेशन मिल रही है तो आप भी साइकिलिंग पे जरूर जाओ। साइकिलिंग करो, वॉक करो, कुछ भी करो, लेकिन मॉर्निंग में कुछ जरूर करो, घर से निकलो और आउटडोर एक्टिविटी में आप कुछ भी करो, फिट रहो, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तब अपनी मेंटल हेल्थ सही करने जाते हैं, और वहां जाके पता चलता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी खराब है। तो ट्रैवलिंग में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप घूमने जाओगे, लेकिन अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप घूम भी नहीं पाओगे। इसलिए आपको उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। फिट परफेक्ट तो कोई नहीं होता, 100% परफेक्ट तो हम भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को ध्यान देना, बॉडी पे फोकस करना और उस चीज़ के बारे में सोचना, वही एक बड़ी बात होती है। तो आप कुछ भी एफर्ट डालो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, लेकिन डालो। अभी मैं आया था एस्टर को पार्किंग में से हटाने, और यहाँ पर देखो, विंटर्स इतना तगड़ा हो चुका है कि उसकी वजह से यहाँ पर ओस जम चुकी है। देखो, आज भी योगा स्टार्ट हो चुके हैं टीवी में देख के। ओह, ये देखो।
तुझे अभी खाने में खा रहा हूँ मैं रोटी सब्जी, और ये है मीठी सेव, सेवैया बोलते हैं इसको, जो मीठा होता है। तो जी इसी के साथ हो चुकी है शाम, और अभी मैं जा रहा हूँ जिम। आज जा रहा हूँ वेस्टर्स से और जिम करूँगा आज। Today's जिम में weather is hazy clouds, 23.9 degrees in Idar. आज जिम में लगाने का है मुझे बैक और लोअर बैक, तो उसके एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी चलते हैं जिम में। तो जी कड़क जिम हुई है आज, कड़क एकदम, ऐसे बैक पूरा एकदम गया आज, लेकिन मज़ा आ रहा है। आज सुबह साइकिलिंग भी करी थी, अभी बैक का वर्कआउट किया एकदम हैवी वेट में, मज़ा आ गया है। जिम से अभी आ चुका हूँ और अभी कुछ ज़्यादा ही थकान हो चुकी है, बस अभी खाना खाना है। अभी तगड़ी भूख लगी है, तगड़ी एकदम हार्ड वाली। तो अभी खा रहा हूँ मैं भाखरी, खिचड़ी, लहसुन, मिर्च और यह कड़ी। यहाँ पे चल रही है पढ़ाई और हम बैठ के अपना काम कर रहे हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन बाबा टेक केयर।